हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय लिबहेयर लॉन्गर फ्रेशनेस लव फूड लव लिबहेयर। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की करी शुरुआत। नवनियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर बीएल मेहरा ने पदभार किया ग्रहण। दरगाह क्षेत्र में लगातार फैल रहा अव्यवस्थाओं का आलम। और मौसम परिवर्तन के साथ बड़ा डेंगू का खतरा। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. समाचार विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पुष्कर पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा और झंडारोहण कर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की शुरुआत की। वहीं सरोवर के 52 घाट 1,25,000 दीपों से जगमगा उठा। श्री अशोक जी गहलोत साहब और सम्मानीय समस्त मंत्रिमंडल को और सम्मानीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी गहलोत राठौर साहब को और हमारी पूर्व शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री नसीम अख्तर जी को सबको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस धरा पर नमस्कार गणेश जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि रिद्धि और सिद्धि के साथ गढ़ रणत भवन से और मोती डूंगरी के अरे मोबाइल नीचे रख लो थोड़ा यार, दूसरे की फोटो नीचे रख लो। प्रियांक 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 मोबाइल नीचे रख। अरे मोबाइल नीचे रख लो थोड़ा यार, दूसरे की फोटो नीचे रख लो। प्रियांक 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 मोबाइल नीचे रख। सामने वाला रहना, उधर पीछे से आएंगे तो यही आएंगे। Oh.
निष्ठा के साथ काम में काम करें और बोर्ड की विश्वसनीयता बनी रहे, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले करते हुए अजमेर के संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा को अग्रिम आदेश तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, जिसके चलते मेहरा ने पदभार ग्रहण करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से करने तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छवि को विश्वसनीय बनाए रखने की बात कही है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार मुझे संभागीय आयुक्त के पद के साथ साथ प्रशासक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गए हैं। उक्त आदेश की अनुपालना में मैंने कल दोपहर पश्चात कार्यभार संभाल लिया था और आज मैं यहाँ कार्यालय में इन अधिकारियों से बातचीत करने के कार्य को अनुमति देने के लिए यहाँ आया हूँ। ये प्राथमिकता रहेगी कि पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ कर्मचारी काम करे, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो छवि पूरे देश में पहले विश्वसनीय मानी जाती है, क्रम में विश्वसनीय बनाए रखने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने सब अधिकारियों से बात करके। और सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि अभी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो परीक्षा है उनको पूर्व की भारतीय समय पर करवाने का हम लोग यहाँ लेंगे ब्रेक। ब्रेक के बाद आगे है। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा अजमेर, 9571204206। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology, Balibe, that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Libe. Break के बाद एक बार फिर स्वागत है, आइए जानें शहर की और बड़ी खबरें। पुष्कर नगरी में आज राजपुरोहित पंचायत भवन में प्रेम फाउंडेशन की ओर से गरीब परिवारों को कंबल, स्वेटर्स और खाद्य सामग्री वितरित करी है। इस दौरान समारोह में मुख्य अतिथि नगर पालिका के उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि और संस्था के सदस्यों ने लोगों को कपड़े वितरित किए। पुष्कर नगरी में आज राजपुरोहित पंचायत भवन में प्रेम फाउंडेशन की ओर से गरीब परिवारों को सर्दी के मौसम के मद्देनजर कंबल, स्वेटर और खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पुष्कर नगर पालिका के उपाध्यक्ष शिव जी, वशिष्ठ पत्रकार नाथुराम शर्मा तथा संस्था के सदस्य मौजूद रहे। आज प्रेम मेडिकल फाउंडेशन की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्दी से बचाव के लिए 100 परिवारों को कंबल है, स्वेटर है, 50 परिवारों को खाद्य सामग्री है, ये वितरण की जा रही है। और आज हमारे बीच पुष्कर मेले में जो संस्था के फाउंडर है कार्मिन प्लोमारेस, ये भी आए हुए हैं
और इनके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। और पुष्कर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के आए हुए लोगों की ये सहायता, जो गरीब तबके के हैं, जो कमजोर वर्ग के हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी थी। आज के हैं शिव स्वरूप जी, मेयर सिंह नाथू जी, जो हमारे शर्मा है पत्रकार जी पुष्कर के। और आपका नाम और पद? मेरा नाम नरपत सिंह राजपुरोहित, प्रेम अध्यक्ष प्रेम मेडिकल फाउंडेशन, और इनका नाम है कार्मेन क्लोमारेस। ये हमारे फाउंडर हैं संस्था की, हमारी बॉस है। हियर व्हेन कम इन द विंटर टाइम बिफोर कम इन द रियली कोल्ड वी गिविंग ब्लैंकेट्स विंटर क्लोथ्स फॉर द पीपल और आवर फाउंडेशन। एंड दिस टाइम इज आल्सो फर्स्ट ऑफ नवंबर एंड एवरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ we giving also food to all the family that our foundation all year. Every year giving the children of foundation to the school. We did already, we make a lot of house for widow or for people we need, because in my foundation helping all kind of people we need, no problem religion, no problem the caste, the age, men or woman, if they need a friend will help. आज प्रेम मेडिकल फाउंडेशन की तरफ से आसपास के ग्रामीण इलाकों के पधारे हुए गरीब तबके के लोगों और मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई साहब नाथू जी शर्मा, दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक पुष्कर, कार्मिन जी, नरपत सिंह मेडिकल फाउंडेशन के अध्यक्ष, आज सर्दी के शुभ अवसर, गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को राम राम। आज सर्दी को देखते हुए प्रेम मेडिकल फाउंडेशन की तरफ से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गर्म कंबल, स्वेटर और खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है, जो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। प्रेम मेडिकल फाउंडेशन पुष्कर की एक ऐसी संस्था है जो ग्रामीण इलाकों के गरीब तबके के लोगों का विशेष तौर पर ध्यान रखती है और समय समय पर इनको कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देती रहती है। मैं प्रेम मेडिकल फाउंडेशन के अध्यक्ष पुष्कर से स्वामी न्यूज ने सरोवर के मुख्य गौघाट के ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान की पीड़ा को प्रमुखता के साथ उजागर किया है। वहीं इस खबर के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और आनन फानन में सड़क की मरम्मत कर फटे पर कारी लगाने का प्रयास किया। पुष्कर में स्वामी न्यूज ने सरोवर के मुख्य गौघाट के ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान की पीड़ा को प्रमुखता के साथ उजागर किया है। खबर में यह बताया गया था कि किस तरह यह घाट प्रशासनिक और अन्य संगठनों की अनदेखी का शिकार है। साथ ही खबर में यह भी बताया गया था कि प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने और अव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरोवर पूजन का कार्यक्रम ब्रह्म घाट पर रखा है। वहीं मेले से पहले मुख्य घाट के बाहर ब्रह्मा मंदिर अस्थायी समिति की ओर से बनाई गई धौलपुर सड़क के पत्थर किस तरह से उखड़े हुए हैं, इस खबर के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और आनन फानन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुष्कर आने से पहले सोमवार रात को ही मरम्मत कर फटे पर कारी लगाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जानबूझकर मुख्य घाट के महत्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक इस मुख्य घाट के अच्छे दिन आएंगे। आयोजन के तहत 4 से 7 नवंबर तक विश्व विख्यात ब्रह्मा मंदिर दिन भर खुला रहेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण के चलते 8 नवंबर को सूतक लगने के साथ ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के धार्मिक आयोजन के तहत 4 से 7 नवंबर तक विश्व विख्यात ब्रह्मा मंदिर दिन भर खुला रहेगा, जिसके चलते दर्शनार्थियों को दिन भर जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन हो सकेंगे। इस दौरान पुजारी लक्ष्मी निवास वशिष्ठ ने बताया कि 4 से 6 नवंबर को सुबह 5 बजे मंगला आरती के साथ मंदिर के पट खुलेंगे तथा रात 9:30 बजे शयन आरती के साथ मंदिर बंद हो जाएगा। 7 नवंबर को सुबह 5 से रात 10 बजे तक मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला रहेगा तथा चंद्र ग्रहण के चलते 8 नवंबर को सुबह 5 बजे मंदिर दर्शनार्थियों के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि 8 नवंबर को सुबह 3:15 पर मंगला आरती होगी तथा 5:53 पर चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से मंदिर का गर्भगृह व मंदिर का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा।
जिससे शाम 6:19 पर ग्रहण की शुद्धि के 1.5 घंटे बाद और मंदिर की साफ सफाई श्रृंगार के बाद रात्रि 7:50 पर मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। आलम लगातार बना हुआ है, जिसके चलते दरगाह के 4 नंबर गेट के पास बनी नालियों में कचरा फंसे होने के कारण नालियों से गंदा पानी बाहर आ रहा है, जिससे जायरीनों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरगाह क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का आलम लगातार बना हुआ है। बता दें, दरगाह के 4 नंबर गेट के पास बनी नालियों में कचरा फंसा होने के चलते नालियों से गंदा पानी बाहर आ रहा है, जिससे जायरीनों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंदे पानी की वजह से क्षेत्र में गंदगी का और बदबू का माहौल रहता है। साथ ही क्षेत्रवासियों के अनुसार प्रशासन को कई बार मामले की इत्तला कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये शर्की गेट है, 4 नंबर गेट, यहाँ पर मैंने नाली बताई और ब्लॉक होती है आए दिन, कभी भी दिन में, सुबह, रात, दोपहर, कभी भी ये और फ्लो के बहती है। यहाँ का जो पार्षद है कभी आके यहाँ की सूद बूंद नहीं लेता है, और यहाँ पे जायरीन खाजा का हजूम रहता है, काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं जो नापाक हो जाते हैं। अब ऐसी कोई व्यवस्था करें यहाँ का पार्षद, नगर निगम में हमने कई दफ़ा शिकायत कर दी, पार्षद की भी शिकायत कर दी, मगर पार्षद यहाँ आने के लिए, देखने के लिए तैयार ही नहीं है। ये गरीब नवाज का दरबार है, शर्की गेट 4 नंबर है, यहाँ पे जायरीन खाजा काफ़ी भीड़ तादाद में आते हैं, और आने वाले 1-2 दिन में छठी शरीफ है, फिर 1-2 महीने बाद उरस शरीफ शुरू हो जाएंगे। ये हमेशा का यहाँ का रोना है, ये कि दरगाह शरीफ के क्षेत्र के दरगाह क्षेत्र में करोड़ों लाखों रुपया पास होता है, मगर आज तक रिपेयरिंग ही नहीं करी। यहाँ देखिए सड़कें टूटी फूटी हैं। अजमेर के समाज सेवी हरीश गिदवानी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच अजमेर के जिलाध्यक्ष पद पर आसीन किया गया है, जिसके चलते पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच अजमेर के कार्यकर्ताओं द्वारा गिदवानी का माला पहनाकर स्वागत किया। अजमेर के समाज सेवी हरीश गिदवानी पैन वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच अजमेर के जिलाध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं। बता दें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शुक्ला, संस्थापक संरक्षक मधु शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी नीरज चतुर्वेदी की सहमति से मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश झंवर की अनुशंसा पर अजमेर के समाज सेवी हरीश गिदवानी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के अजमेर जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। इस दौरान गिदवानी को पंडित दीनदयाल जी की रीति नीतियों एवं उनकी प्रेरणाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु संकल्पित होकर कार्य करने एवं पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से अपने पद का दायित्व निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके चलते पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच अजमेर के कार्यकर्ताओं द्वारा गिदवानी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। पहले तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और हमारे श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी शुक्ला जी, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जी तंवर जी, श्रीमती मधु शर्मा जी, और हमारे उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जो मुझे जिला अध्यक्ष का पद दे के जो उन्होंने मुझे मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं जो उन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उनकी समिति के ऊपर मैं मंच पे खड़ा उतरूँगा। जो सेवाएं लगातार हमारी चलती आ रही है, सेवा ही कर्म जन सेवा समिति की ओर से, अब उसके साथ हमारे को एक और मंच मिल गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच, उस मंच में भी हम अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे, लोगों की जो अजमेर की जनता को जो पीड़ित है हमारी सरकार से, जो राज्य सरकार से जो काम नहीं हो पा रहे, जैसे आपको पता है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बहुत स्थिति बुरी है, वैसी काफ़ी समस्याएं हैं, जो हम डिजिटल यहाँ पे हम एक रखेंगे, एक फॉर्म देंगे जिसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो उसको पोर्टल पे हमारा अजमेर वासी नहीं कर पा रहा है, वो हमारी संस्था हमारे को लिखित में दे जाएगा, उनका मोबाइल नंबर और समस्या की जानकारी लेके ही हम पोर्टल पे, और पोर्टल के बाद भी अगर उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम व्यक्तिगत रूप से हम कलेक्टर से, SDM से, ADM सिटी से,
जिस भी डिपार्टमेंट में मिलना चाहेंगे हम मिलेंगे, और अजमेर वासियों की समस्याओं का समाधान करना ही हमारा एक उद्देश्य है। और पूरी जो दीनदयाल उपाध्याय मंच ने मुझे ये आज विश्वास जताया, उस पर हम पूरा खरा उतरेंगे। और मैं पूरी समिति का और हमारे ब्रजेश जी, हमारे किशोर जी भाई साहब, श्याम जी भाई साहब, अपने मनीष जी भाई साहब, हमारे नरेश जी भाई साहब, पूरा आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरी टीम के साथ हमेशा 24 घंटे लगे रहते हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से और भी कहना चाहूँगा, सेवा ही कलम जन सेवा समिति सरिता पांड के आगे हमारा कार्यालय बना हुआ है। किसी भी वैशाली नगर में किसी भी अजमेर वासी को, मेरी मातृशक्ति को, मेरे भाइयों को, बच्चों को, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो हमारी समिति आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। आप हमारे को लिखित में जो भी समस्याएं दें और आपका मोबाइल नंबर दें, हम उसका समाधान करने में बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। यही मेरी अजमेर वासियों से बस धन्यवाद कहना चाहूँगा अजमेर वासी। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे हरीश जी गिदवानी जी जो कि अध्यक्ष हैं सेवा ही कर्म जन सेवा समिति अजमेर के, और पिछले 3 वर्ष से ये लगातार जन जन की सेवा में लगे हुए हैं और हर विषय पे सबको सहयोग प्रदान करते हैं और खुद जो है ज़मीनी तौर पर जा जा करके जहाँ जहाँ भी जो व्यथित पक्ष हैं उनकी पीड़ा को सुनते हैं, उनका हल करते हैं प्रशासनिक सहयोग से भी और सामाजिक सहयोग से भी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति मंच राजस्थान की ओर से इनको अजमेर ज़िले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति मंच पर भी इसी तरह के सेवा कार्य आमजन के होते रहते हैं। और अजमेर, जैसा कि आप जानते हैं कि अजमेर एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और काफ़ी प्रशासनिक स्तर पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि हर क्षेत्र में इसको आधुनिक बनाया जाए, तो सेवा क्षेत्र में भी हरीश भाई का मैं देख रहा हूँ जिस तरह से इन्होंने सेटअप बनाया है अपना वैशाली नगर में जो ब्रांच खोली गई है, ये भी एक आधुनिकीकरण है, एक डिजिटलाइजेशन है। जैसे कि प्रधानमंत्री या और हमारे मुख्यमंत्री सब इस तरह की योजनाएं जो हैं वो डिजिटल होती जा रही हैं, आपको जो भी शिकायत है या जो भी आपकी आवश्यकता है उसको आप सरकार तक जो भी संबंधित विभाग हैं वहाँ पर डिजिटल फॉर्म में पोर्टल के ज़रिए पहुँचाते हैं। और आज के दिन से ही इन्होंने इसकी भी शुरुआत प्रारंभ कर दिया है, किसी भी आमजन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो एक हमने एक फॉर्म बनाया है, इसका फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में संक्षिप्त में अपना परिचय देते हुए और अपनी आवश्यकताएं और समस्याओं के लिए उसमें जानकारी देनी है और आपको घर बैठे सेवाएं मिलेंगी। ये एक हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी पीड़ित पक्ष को इधर उधर भटकना नहीं पड़े और घर बैठे उनको सेवाएँ मिलें, सिर्फ एक मोबाइल नंबर या जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ज़रिए ही उनको काफ़ी कुछ ये आने वाले महीने दो महीने में अंतर दिखेगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ हरीश जी और इनकी जो टीम है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे इन कार्यों में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जी शुक्ला हैं, संस्थापक संरक्षक श्रीमती मधु जी शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी श्री नीरज जी चतुर्वेदी, उनकी सहमति से ही मंच ने प्रदेश अध्यक्ष की सुरेश झंवर ने। शहर में लगातार मौसम परिवर्तन के साथ बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। बीमारियों के इस बढ़ते खतरे को लेकर आज जलन के डॉक्टर्स ने डेंगू बीमारी के लक्षण और इलाज की जानकारी दी। शहर में लगातार मौसम परिवर्तन के साथ बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है जिसके चलते जेलन अस्पताल सहित कई अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं बदलते मौसम के साथ डेंगू का भी खतरा बढ़ रहा है जिसको लेकर आज डॉक्टर ने डेंगू बीमारी के लक्षण, उसके इलाज और रोकथाम की जानकारी दी है। डेंगू मरीज के लक्षण आमतौर पर बुखार, ठंड लग के आना, सर में दर्द, आंखों में दर्द, रेट्रोऑर्बिटल पेन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पीछे गर्दन की तरफ दर्द होना, बदन टूटना, कमर दर्द होना, जोड़ों में तकलीफ, पेट में दर्द, चक्कर आना, हाथ पैरों में थका थका सा महसूस होना, काफ़ी माइल्जिया होना, मतलब माइल्जिया मतलब मसल्स में मेन होना, ये सारे डेंगू फीवर के लक्षण हैं। आपके घर में कोई भी बुखार आ रहा हो, ठंड लग के आ रहा हो, आँखों में दर्द है, बदन दर्द है, तब तुरंत अपने चिकित्सक सलाह लें। आप मर्जी से कोई दवा ना खाएं, दर्द निवारक गोली भूल के ना खाएं, सीजन में ये आपकी जानलेवा हो सकता है। जब भी बुखार आए तो सिंपल पैरासीटामोल का सेवन करें। आप अपने चिकित्सक सलाह अवश्य लें, इसे लापरवाही ना बरतें क्योंकि ये आपके जानलेवा हो सकता है, क्योंकि डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये तीन इसकी वेराइटी होती है। इसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर जो कि जानलेवा हो सकता है अगर समय पर इलाज नहीं कराएं, तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में ड्रिप की जरूरत होती है,
फ्लूड रिप्लेसमेंट की थेरेपी होती है, तो इसलिए आप चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। डेंगू फीवर माइल्ड फीवर होता है, हाथ पे दुखते हैं, बदन दर्द होता है, जैसे कि लक्षण बताएं, ये स्वतः ही ठीक हो जाता है क्योंकि स्वतः ठीक होने वाली बीमारी है, इसमें कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं आती है। सिर्फ सिंपल पैरासीटामोल लेने से और काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी पीने से भी स्वस्थ हो सकते हो आप। आप आराम करें, साफ स्वच्छ जल पिए और बुखार आने पर पैरासीटामोल टैबलेट लें और अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिएगा, अपने मर्जी से कोई दवाई ना खाएं। डेंगू होने की वजह आसपास पनपे मच्छर हैं जो कि दिन में काटते हैं, एडीज इजिप्टाई जो कि टाइगर मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है। इसमें जो वायरस होता है अपना ग्रोथ करता है और ये अपनी सलाइवा से काटने के द्वारा इंसान में हेल्दी सब्जेक्ट में ये ट्रांसमिट करता है, जिससे कि लक्षण प्रभावित होते हैं। ये 3 से 5 दिन में अपने लक्षण दिखाता है, जिसमें भी आपको बुखार आने लगता है, सर दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, मुँह का स्वाद खराब होता है, उल्टी की इच्छा करती है, पेट में दर्द होता है, दस्तें भी हो सकती हैं। तो ये लक्षण अगर है तो आप तुरंत। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।